नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज से वृक्षारोपण अभियान चलाने जा रही है। बताया जा रहा है कि यूपी में इस बार कई करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसको लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। बता दें कि वृक्षारोपण अभियान में पौधे दो चरणों में लगाए जाएंगे, जिसके पहले चरण का शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर और बिजनौर से पौधा रोप कर करेंगे, जिसमें पौधा लगाने के लिए प्रदेश के सभी मंत्री, सभी अधिकारी और आम जनमानस को शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरे चरण में 15 अगस्त को भी पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सभी जनपदों में वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। यूपी सरकार के सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिजनौर मुजफ्फरनगर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। रायबरेली बाराबंकी में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक मौजूद रहेंगे। सभी जनपदों में वृक्षारोपण अभियान की आज से शुरुआत की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज से वृक्षारोपण अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर वन विभाग की तरफ से तैयारियां भी कर ली गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज से वृक्षारोपण अभियान चलाने जा रही है, क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है? देखिए मयूरी, अगर बात करें तो वृक्षारोपण का अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है और पर्यावरण को देखते हुए एक सरकार का एक अहम और बड़ा फैसला माना जा सकता है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है और सड़कों के निर्माण में पेड़ों की कटाई हो रही है, ऐसे में वृक्षारोपण का यह अभियान पर्यावरण को आने वाले समय में संतुलित करने का काम करेगा। इसके पहले भी कई ऐसे पर्यावरण वैज्ञानिक इस बात की आशंका जता चुके हैं कि जिस प्रकार से पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है और डेवलपमेंट के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही हैं, ये आगे चल के कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण अभियान चला रही है। बृहद स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को इसकी बाकायदा जिम्मेदारी भी दी गई है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे बिजनौर, मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र देव सिंह इस अभियान की अगुवाई करेंगे। रायबरेली और बाराबंकी में सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक इसकी अगुवाई करेंगे। वहीं गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सुरेश खन्ना इस अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने साफ तौर पर प्राइम टीवी से बातचीत में कहा था कि वृक्षारोपण का अभियान प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है। इससे पर्यावरण को संतुलन मिलेगा और एक स्वच्छ वातावरण आने वाली पीढ़ी को हम दे पाएंगे। मयूरी, विवेक, वन विभाग के अलावा और किन किन सरकारी विभाग को पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, अगर बात की जाए तो बाकायदा नोडल ऑफिसर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और ये नोडल ऑफिसर जो है वृक्षारोपण के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वृक्षारोपण का अभियान लगाया जाना है और बात करें तो ये कई चरणों में अभियान होगा। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बिजनौर में पौधा लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद सभी मंत्री, सभी अधिकारी जो है प्रदेश के और तमाम जनमानस को भी इस बृहद वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया जाएगा, ताकि इसे एक सार्थक अभियान बनाया जा सके। इसके अलावा जब दूसरा चरण शुरू होगा 15 अगस्त को, 15 अगस्त से इसके दूसरे चरण की शुरुआत होनी है, इस दौरान भी कई पौधे जनपदों में लगाए जाएंगे। कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा हुआ है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मनहानी मामले में
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत ने चुनौती दी है, जहां जस्टिस वी आर गवई और जस्टिस पी के मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी और सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। बता दें मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मोदी सरनेम केस के मामले में आज ये सुनवाई होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज कहीं ना कहीं सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना है। बीते दिन गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं दी गई थी, सजा बरकरार रखा गया था। आपको बता दें कि आज अगर बात की जाए तो राहुल गांधी को की सजा को आज माना जा रहा है कि आज सुनवाई होगी, जिस पर देश भर के कांग्रेस के नेताओं की निगाहें हैं, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की, सभी दलों की निगाहें हैं कि राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है या उन्हें माफ़ी दी जाती है। आपको बता दें कि आज दोपहर तक इस हियरिंग का जो तमाम अगर देखा जाए तो प्रारूप है उसकी शुरुआत होगी। और बात करें तो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तमाम कांग्रेसी इस बात की आशा लगाए बैठे हैं कि राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। मयूरी, आपको बताना चाहेंगे कि 2019 चुनाव के दौरान राहुल गांधी अपने चुनावी जनसभा के दौरान एक भाषण देते हैं जिसमें के नीरव मोदी को टारगेट करते हुए उनकी तरफ से कहा जाता है कि मोदी चोर क्यों होते हैं। और इसके बाद से आपको बता दें कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी कहीं ना कहीं अगर देखें तो गुजरात के सूरत में मानहानि का केस दायर करते हैं, जहां आपको बताएं कि अगर देखें तो डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद से उनकी वायनाड से सांसदी चली जाती है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन करते हैं और आरोप लगाते हैं कि सरकार तमाम एजेंसियों को और साथ ही साथ जो तमाम मजबूती मिलती है सरकार को उसका दुरुपयोग कर रही है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो गुजरात हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वकील और राहुल गांधी गुजरात के हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद फैसला बरकरार रखा जाता है। अब अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर देश के सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है और देखने वाली बात ये होगी कि माननीय जज का क्या इस पर रुख रहता है राहुल गांधी के मामले को लेकर। जी विवांशु, जो राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की है जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उस याचिका में क्या कुछ दलीलें दी गई हैं राहुल गांधी द्वारा? जी बिल्कुल, इसमें साफ तौर से अगर बात की जाए तो उनके वकील लगातार कहते हुए नजर आए हैं कि राहुल गांधी किसी जाति को टारगेट नहीं किए हैं, उनका टारगेट महज नीरव मोदी, जो कि देश के एक कहीं ना कहीं खजाने में सेंध लगाकर और देश से फरार हो गया है, उसको टारगेट कर रहे थे, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के वकील का कहना है। वहीं आपको बता दें कि आज की याचिका में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए काफ़ी अहम है, क्योंकि राहुल गांधी की सजा अगर माफ़ नहीं होती है, उनकी सजा अगर 2 साल से कम नहीं होती है, तो वो आने वाले समय में आगामी लोकसभा में चुनाव में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 8 साल के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं और 8 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की लोकप्रियता में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद से
एक राहुल गांधी की भारतीय राजनीति में एक अलग जगह बन गई है। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी अपनी सक्रियता को कहीं ना कहीं दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, समाज के हर तबकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर से कांग्रेसी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी की सजा कहीं ना कहीं वापस ली जाए, जिससे उनको एक बेहतर नेतृत्व मिल सके। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद देश भर में एक मौन सत्याग्रह देखने को मिला। राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होकर मौन धारण करके और राहुल गांधी की सजा का कहीं ना कहीं सवाल पूछने का काम किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज फैसला किस तरफ आता है, क्या राहुल गांधी को इस मामले में माफ की करती है कोर्ट या सजा बरकरार करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज का फैसला जो आए उस पर कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है। जी विवांशु, अभी तक इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा और भी जो निचली अदालत हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सूरत की तरफ से साफ तौर से दो साल की सजा और कुछ पैसों के मुचलके पर जमानत दे दी गई थी आधे घंटे के भीतर ही। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो राहुल गांधी इस मामले को लेकर गुजरात के सर्वोच्च कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, जहां पर उनके सजा को बरकरार रखा जाता है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो राहत की उम्मीद थी वो नहीं मिलती है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो डीजे के बाद अब हाईकोर्ट, अब हाईकोर्ट के बाद अब देश के सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी और उनके वकील और उनके सहयोगी महज कुछ ही समय के भीतर, मैं आपको बता दें कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, जहां इस फैसले पर सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि क्या जो तमाम दस्तावेज जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सूरत से और उसके बाद से हाई कोर्ट से जो तमाम दस्तावेज, तमाम दलीलें दी गई हैं, पत्र दिए गए हैं, उसको आधार बनाकर आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर कटघरे में होंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज आज फैसला सुना सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के बाद राहुल गांधी को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। वाराणसी की अदालत में हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बताया जा रहा है कि इस साल मई में 5 महिलाओं द्वारा याचिका में मंदिर परिसर के अंदर सिंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। दरअसल मस्जिद परिसर में एक संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया तो वहीं दूसरे पक्ष ने फुवारा होने का दावा किया था। बता दें ज्ञानवापी अमा सिंगार गौरी के मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और इस पर आज फैसला आएगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए आज एक बार फिर से ज्ञानवापी और मां सिंगार गौरी के मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ फैसला आ सकता है आज? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से आपको मालूम है ज्ञानवापी मामला लगातार कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस मामले को लेकर के जिस तरीके से 14 जुलाई को बहस हुई थी और इसमें सभी पक्षों ने अपनी बात भी रखी थी, फिलहाल जिस तरीके से इस मामले में बात की जाए कि 14 जुलाई को जो बात थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब जो आज फैसले की बात है वो आज जो फैसला सुनाया जाएगा वो एक अहम फैसला होगा, क्योंकि जिस तरीके से 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की थी जिसमें वहाँ पर जो प्रार्थना पत्र दिया था गौरी सिंगार को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर जो प्रार्थना पत्र दिया था उस मामले को लेकर के भी कहा जाता, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से तो पूरे मामले की आज सुनवाई है और सुनवाई के दौरान जो फैसला आएगा उस फैसले पर क्या कुछ रुख रहता है और इसका मुस्लिम पक्ष किस तरीके से स्वागत करता है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए जो वहाँ पर जो शिवलिंग मिलने का जो दावा किया गया था, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष था उसके द्वारा उस चीज़ को फव्वारा बताया जा रहा था। फिलहाल इस मामले को लेकर के भी एक याचिका दायर की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। फिलहाल अब देखना ये होगा मयूरी जी कि आखिर जो आज फैसला है वो अहम फैसला है और इस पर क्या कुछ फैसला होगा और उसका स्वागत किस तरीके से होगा, क्या उसमें जो प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वहाँ पर गौरी अर्चना सिंगार को लेकर के क्या अनुमति मिलेगी, क्योंकि जो अनुमति की बात है उस अनुमति को लेकर के भी आज अहम
सवाल जो जवाब आएगा वो भी देखना होगा। फिलहाल कलीम देखा जाए सभी पक्षों ने दलीलें पेश कर दी हैं, क्या क्या दलीलें रखी गई हैं? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से दोनों पक्षों ने अपने जो दलीलें रखी थी उन दलीलों में एक पक्ष के द्वारा तो साफ कहा जाता है कि उसमें जो फव्वारे एक उस शिवलिंग बताया जा रहा उसको लेकर के भी दलीलें की थी, क्योंकि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दावा किया गया था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर जो फैसला आएगा उससे अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनके द्वारा जो दलीलें दी गई थी उन दलीलों के आधार पर, जैसे वहाँ की जो संरचना देखी गई थी जहाँ पे वजूखाना बताया जाता है, वहाँ की जो संरचना देखी गई वहाँ पे शिवलिंग बताया गया, क्योंकि वहाँ पे जो नंदी की बात की जा रही थी नंदी भी होने का भी दावा किया गया। लेकिन फिलहाल जो दावे हैं वो दावे कितने सत्य हैं, क्योंकि सभी दलीलें फिलहाल पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद आखिर किसका रुख सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की बात की जाए तो सरकार भी लगातार इस मामले को लेकर के पैरवी कर रही थी, और जो महिलाएं हैं वो भी अपनी जो याचिकाएं दायर की थी उन याचिकाओं पर लगातार जो सुनवाई को लेकर के कोर्ट भी पहुंच रही थी। फिलहाल अब जो बहस है या जो दलीलों की बात की जाए वो सभी चीज़ें पेश हो चुकी हैं, इसके साथ ही जो वहाँ का संरचना का जो विश्लेषण किया गया था वो भी पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो फैसला आएगा वो फैसला देखना होगा ये कि आखिर वो फैसला किसके पक्ष में जाएगा, क्या जो अनुमति मांगी जा रही थी अनुमति मिलेगी पूजा पाठ करने की, या फिर जो वजूखाना बताया जा रहा था उस वजूखाने को लेकर के दोनों जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच का जो मामला है इस मामले को किस तरीके से निपटाया जाएगा और आखिर क्या कुछ अनुमति मिलेगी। जी धन्यवाद कलीम हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर पिछले कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है, जहां सीमा का दावा है कि पबजी गेम के जरिए सचिन नाम के युवक से दोस्ती हुई और फिर प्यार के चक्कर में वो ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। वहीं अब इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जवाब दे दिया गया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीमा हैदर को लेकर सवाल पूछा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की अभी जांच चल रही है और ये मामला उनके संज्ञान में है। बता दें सीमा हैदर पर विदेश मंत्रालय का पहली बार बयान सामने आया है, जिसे मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले से हम अवगत हैं और इस मामले में जांच की जा रही है। मामले में एटीएस आईबी और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि लगातार सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की है। मामले में एटीएस आईबी और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, सीमा हैदर पर विदेश मंत्रालय का पहली बार बयान सामने आया है, जिसमें मंत्रालय ने कहा है कि हम इस मामले से अवगत हैं, और क्या कुछ कहा गया है मंत्रालय द्वारा? देखिए मुस्कान मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए सीमा हैदर मामले में, तो सीमा हैदर मामले में लगातार जिस तरीके से मुश्किलें जो बढ़ रही हैं, क्योंकि जो उनके पाकिस्तानी जासूस होने का जो दावा किया था फिलहाल ऐसे कोई साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन वो अभी भी शक के घेरे में जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर की बात की जाए, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से पाकिस्तानी जासूस की बात की जाए, क्योंकि काठमांडू में जिस तरीके से नेपाल के काठमांडू में जो रुकी हुई थी, क्योंकि जो उनके पास से दस्तावेज मिले थे, क्योंकि जो उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड दिया था उन सभी चीज़ों को लेकर अभी भी लगातार शक का जो दायरा है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि सीमा हैदर एक पूरी प्लानिंग के तहत भारत पहुंची है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में उसने जिस होटल में रुकी थी उस होटल में उसने जो अपने दस्तावेज दिए थे वो दस्तावेज अलग थे। फिलहाल उसने जो प्रीति नाम का डॉक्यूमेंट वहां पे पेश किया था, जो आधार कार्ड दिया था, उन सभी पहलुओं की भी जांच की जाए, क्योंकि विदेश मंत्रालय की बात की जाए, क्योंकि अब इस मामले में विदेश मंत्रालय से जो बात की गई है, क्योंकि जो सीमा हैदर का पति है उसके द्वारा सीमा हैदर और अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजने की जो गुहार लगाई जा रही थी उस मामले को लेकर के भी जो वार्तालाप हुई है, उस वार्तालाप के बाद से फिलहाल अभी जो शक का दायरा है दायरा तो नहीं खत्म हुआ है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय से बात की जा रही है वो भेजने को के लेकर के जो प्रक्रिया है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सवाल अभी ये है कि देश की सुरक्षा का, कि अगर वो पाकिस्तान से भारत तक जो पहुंची है वो पहुंचने के बाद आखिर किस प्लानिंग के तहत पहुंची है, क्योंकि ये एक प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जो जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अगर वो वाकई प्रेम के विषय पे आई थी तो उसके पास से जो पासपोर्ट था पासपोर्ट के पे नाम अलग था,
जो उसके पास आधार कार्ड मिला उसका नाम अलग था, जहां पे वो ठहरी थी वहां पे उसने दूसरी आइडेंटिटी ली थी। तो ऐसे कई पहलू हैं जिनको लेकर के वो लगातार शक के दायरे में फिलहाल बनी हुई है। लेकिन जो इसमें सचिन की बात की जाए, क्योंकि सचिन भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेपाल में जहां पर ये लोग रुके थे आखिर कहां कहां गए थे उसकी भी जानकारी फिलहाल एटीएस को नहीं दी गई है। इसके साथ बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब वो नोएडा पहुंची थी तो नोएडा में सचिन ने उसको घर पर पिता से ना मिलवाकर जंगल में आखिर ले जाकर उसको क्यों मिलवाया, क्योंकि ये ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर के सचिन भी सवालों के घेरे में है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से पूछताछ जो चल रही है उस पूछताछ के बाद आखिर जो अभी शक का दायरा है उस शक के दायरे में अभी तक सीमा हैदर कब तक बनी रहेगी। और सवाल ये है कि आखिर जो उसको पाकिस्तान भेजने की जो बात है, गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी गई उस रिपोर्ट के आधार पर जब विदेशी जो बात हुई है उस मामले में लेकर अब देखना ये होगा कि आखिर सीमा हैदर को क्या पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर जो शक का दायरा है उस शक का दायरा मजबूत होगा तो उसको क्या गिरफ्तार किया जाएगा। कलीम देखिए, इस मामले में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसी भी अवैध तरीके की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए बृजेश पाठक जी की, क्योंकि डिप्टी सीएम है और दूसरी चीज देश की सुरक्षा भी है, क्योंकि इसके साथ ही अगर सीमा हैदर की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे कि जैसे ही उन्होंने भारत में एंट्री की थी उसके बाद से जो मणिपुर हिंसा हो रही थी उसमें भी उनका कहीं ना कहीं एक योगदान बताया जा रहा था। उसके साथ ही उसके जब सीमा हैदर पहुंचे तो कई अलकायदा ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग थे उनकी भी गिरफ्तारियाँ हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये एक दायरा पूरा बताया जा रहा था। फिलहाल अभी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो बात की जाए सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर क्या वाकई पबजी के जरिए साल 2020 में सचिन से जो मुलाकात हुई थी और सचिन से मुलाकात के बाद साल 2020 के बाद साल 2023 में जब भारत आती हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले जो टूरिस्ट वीजा पे वो भारत आई थी तब भी सचिन के साथ वो ठहरी हुई थी, तो आखिर बीच में आना फिर एकदम से आ करके इसे शादी रचाना, शादी रचाने के बाद एकाएक घर में दाखिल होना और सभी को अपनी कहानियां बताना, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन जो एटीएस फिलहाल इस मामले में पूछताछ कर रही थी, शक का जो दायरा बनाए हुए है फिलहाल अभी इस मामले में एटीएस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो उसके पास से दस्तावेज मिले थे उसकी भी फॉरेंसिक जांच हो रही है, जो मोबाइल फोन मिला था, जो उसमें सिम कार्ड था उसकी भी जांच हो रही है। अब फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से राजनीतिक जो पहलू आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब राजनीतिक मुद्दा भी ये लगातार बनता भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर हिंसा की बात की गई थी, क्योंकि मणिपुर हिंसा भी एक राजनीतिक मुद्दा बना था, उसके बाद अब सीमा हैदर का जो मामला है, क्योंकि सीमा हैदर का जो मामला है वो भी लगातार सुर्खियों में आता जा रहा है और वो भी एक यूपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूपी से जुड़े होने के साथ साथ अब जो बात की जाए, जो डिप्टी सीएम ने इस मामले पर बयान दिया, तो इस मामले पर प्रतिक्रिया जो विपक्षी की है वो फिलहाल अभी नहीं आई है। लेकिन जो सुरक्षा की बात की जाए, उस सुरक्षा का घेरा फिलहाल मजबूत करना चाहिए और इसके साथ साथ जो सीमा हैदर जो शक का दायरा है उसको भी पूरी तरीके से इसकी जांच करने के बाद जो भी चीज आएंगी उसके बाद देखना ये होगा कि आखिर क्या सचिन मीणा है और सीमा हैदर, इन दोनों की क्या वाकई प्रेम कहानी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जी कलीम, जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि इस मामले में एटीएस आईबी और पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, कहीं ना कहीं सीमा हैदर की बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जाहिर सी बात है मयूरी जी, क्योंकि मुश्किलें लगातार इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि जो उसके पास से दस्तावेज है, फिर चाहे पासपोर्ट की बात की जाए, 3 पासपोर्ट होना, मोबाइल फोन में पाकिस्तानी सिम होना, इसके साथ जहां जहां ठहरना वो चीज़ें ना बताना, क्योंकि टूरिस्ट वीजे पर भारत आना इससे पहले और फिर उसके बाद चले जाना और फिर एकाएक भारत आना और फिर शादी रचाना और उसके साथ कहां कहां ये लोग गए थे टूरिस्ट वीजे पर, क्योंकि सचिन और सीमा हैदर कहां कहां गए इस मामले में किसी तरह का जवाब ना देना। दूसरी चीज, जिस तरीके से एटीएस जो पूछताछ कर रही थी उस पूछताछ में भी सवालों के सीधे जवाब ना मिल पाना, क्योंकि कई ऐसे सवाल थे जिसके जवाब एटीएस को नहीं मिल पाए, उसको लेकर के लगातार जो शक है वो गहराता जा रहा है। फिलहाल जो जासूसी की बात की जाए, क्योंकि जो सीमा हैदर को जासूस होने का दावा किया जाता है उसके साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो दायरा है वो इसलिए मजबूत होता है क्योंकि जो उसके रिश्तेदारों की बात की जाए, चाचा की बात की जाए, भाई की बात की जाए, तो दोनों ही पाकिस्तानी जो आर्मी है उसमें तैनात हैं। फिलहाल जो सवाल है अब सीमा हैदर से जुड़ा हुआ, तो इसमें जो अपडेट आएगी, क्योंकि जो नेपाल का काठमांडू में जिस होटल में ये लोग ठहरे थे उस होटल मालिक को भी हिरासत में लेना चाहिए, उससे पूछताछ भी करनी चाहिए कि आखिर जो उसने दस्तावेज दिए थे उन दस्तावेजों की क्या वाकई इन लोगों ने जाँच की थी या फिर इन लोगों को इसी तरीके से ठहरने दे दिया गया,
क्योंकि ये सभी जो ऐसे पहलू हैं, ये अपने आप में जाहिर सी बात है एक बड़ी चूक भी कही जा सकती है, क्योंकि एक लापरवाही भी कही जा सकती है, या फिर संरक्षण देना भी कहा जा सकता है, क्योंकि बिना किसी के संरक्षण के घुसपैठी जब तक अंदर नहीं दाखिल होते भारत में, तब तक किसी तरह बड़ी घटना नहीं हो सकती है। तो जाहिर सी बात है जो सीमा हैदर भी आई है, तो सीमा हैदर के पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी कहानी जरूर है, एक बड़ा षड्यंत्र भी कह सकते हैं। फिलहाल अभी ATS और जो IB इस मामले में अपनी तफ्तीश कर रही है, उस तफ्तीश के बाद देखना होगा कि आखिर खुलासा क्या होता है। जो फॉरेंसिक के लिए मोबाइल फोन भेजा गया, दस्तावेज भेजे गए, उससे भी क्या कुछ खुलासे होते हैं। जी धन्यवाद कलीम हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।